बहिष्कार करना पड़ेगा, इनका हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा, इनकी मित्रों को इनकी मित्रों को बहिष्कार करना पड़ेगा। सब जाकर के इनके भी जुड़े आप जुड़ेगी और अपने अपने आका के पास ये कबूतर गुलाम अपने जहरिया आका के पास जाएंगे और कहेंगे कि भैया अच्छा दे रहे तो हमारी 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 दृष्टि हो रही है और आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। आज लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में आरक्षण बचाओ महापंचायत का आयोजन चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में 17 जातियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के माननीय राज्यपाल कश्यप जी, जो पूर्व MLC और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं पेशावर मोर्चा के, और माननीय विशंबर प्रसाद निषाद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, सपा के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिनिधि भाग लिया। ये पंचायत आज जो आयोजित की गई, इसमें पहुँचे प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि जो धोखा हमारे समाज के आरक्षण पर इस वर्तमान सरकार के माध्यम में हो रहा है, उस पर आगे कैसे रणनीति बनानी है। आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री शंकरलाल मांझी जी, पूर्व मंत्री हमारे किरणलाल कश्यप जी, पूर्व मंत्री आदरणीय दयाराम प्रजापति, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंदी, पूर्व मंत्री और सरकार में उपाध्यक्ष और आयोग के चेयरमैन रहे रामदास राजभर जी, रमेश प्रजापति, हरिचंद प्रजापति, हमारे हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्र प्रकाश कश्यप जी, सतबीर प्रजापति, श्रीचंद कश्यप जी, जय सिंह प्रजापति, VK कश्यप जी, नगीना सहनी जी, तमाम हमारे मंचासीन और सामने बैठे हुए मेरे सम्मानित साथियों, आज चूंकि विश्वकर्मा जयंती है, भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने महापुरुषों को याद करते हुए, उनके चरणों पर नमन करते हुए आपके बीच हम यह अपील करना चाहते हैं कि साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी है और लंबे समय से चली आ रही है। हमारे पूर्वक्ताओं ने विस्तार से पूरी तरह बता दिया है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार, मुझे याद है कि शुरुआत हमने बांदा में एक 20 सितंबर 1995 को एक रैली मैंने कराई थी, 20 सितंबर 1995 में रैली कराई थी आरक्षण की। अब ये कितने नेता है आज अपने को कहते हैं कि आरक्षण के आरक्षण में पार्टी बना लिए, इनका कहीं अता पता नहीं था। और 21 सितंबर को हमने जौनपुर में एक रैली कराई थी, भिन्न महासम्मेलन कराया था, पुराने लोग जानते हैं, पूर्वांचल के लोग। लगातार अगले मंच पर बैठे हमारे सभी नेताओं ने विधानसभा में रहकर के पार्लियामेंट में माननीय शंकरलाल मांझी जी ने कई बार राष्ट्रपति से मिलकर के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार विधानसभा से लेकर के संसद तक घेरने का काम किया, राष्ट्रपति से मिलकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर के इसको आरक्षण को लागू कराने की बात कही। लेकिन यह बेईमान लोग नहीं चाहते थे कि यह हमारे
के लिए सर्वप्रथम 19 फरवरी 2005 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्रस्ताव को पारित कराया था और 5 अक्टूबर 2005 को जो उत्तर प्रदेश नहीं प्रत्येक राज्यों को अधिकार है कि अपने राज्य में सुविधा दे सकते हैं एक शासनादेश जारी करने का काम किया था। उसी शासनादेश को बसपा ने जो है इसके कराने का काम किया था। माननीय शंकरलाल मांझी जी को याद होगा हम लोगों ने एक रणनीति बनाई जैसे आज हमारा आरक्षण बचाओ महापंचायत का सम्मेलन चालू हुआ है उसी तरह हमने आरक्षण प्राप्त करो महासम्मेलन प्रत्येक मंडल में बना करके घोषित करने का काम किया था और शुरुआत हमारे भाला चित्रपुर मंडल से हुई थी। अच्छी ठंडी पड़ रही थी और अंत में अमेरिका नगर में फैजाबाद मंडल का सम्मेलन बड़ा सम्मेलन हुआ और उससे बसपा की उत्तर प्रदेश की सरकार थी जो बसपा हमारी घोर विरोधी जिन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2004 में 2005 में 2006 में 2007 में पूरे प्रदेश में सर्वे कराकर और जो उनकी भारत सरकार की एजेंसी है उनसे मंतव्य लेकर के भारत सरकार को प्रस्ताव विरोध भेजने का काम किया था। उन प्रस्तावों को बहुजन समाज पार्टी ने 6 जून 2007 को वापस लेने का काम किया था। तब से कोई प्रस्ताव भारत सरकार ने नहीं किया और आरबीआई ने पत्र लगाकर वापस करने का काम किया। माननीय मंत्री जी ने डिटेल बता दिया हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों आज हमारे सामने एक समस्या है। मैंने तो लगातार घेरना पड़ेगा इनका बहिष्कार करना पड़ेगा इनका हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा इनकी मीटरों पर इनकी मीटरों पर बहिष्कार करना पड़ेगा तब जाकर के इनके भी जुड़ में काम भी जुड़ेगी और अपने अपने आका के पास ये कबूतर गुलाम अपने जहरिया आका के पास जाएंगे और कहेंगे कि भैया अच्छा दे रहे तो हमारी 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 दृष्टि हो रही है और वजीर है मंत्री है बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया है। साथ ही साथ में माननीय शंकरलाल मांझी जी जिनके नेतृत्व में जिनकी कलम से माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको मंत्रालय दिया और कहा जैसा शासनादेश बनाना है आपके समाज के लोग आपस में तय कर लो जो लिख के ले आओगे उस पे साइन माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा मैं करने का काम करूंगा और उसके लिए सारे अधिकारी माननीय अखिलेश यादव जी ने लगा दिए और कहा जो अधिकारी से माननीय शंकरलाल मांझी जी हमारे समाज के नेता कहते थे वो आते थे और सारी रिपोर्टें से लेकर सारी जो भी जानकारी या जो भी कागजात की जरूरत थी वो करने का काम किया। माननीय हमारे रमेश प्रजापति जी राष्ट्रीय कमेटी में हर आंदोलन संघर्ष करते रहे दिल्ली तक और हमारे विवेक निषाद जी भी नए नेता माननीय दिसंबर जी के सुपुत्र है। माननीय किरणपाल कश्यप जी ये बहुत ही पुराने हैं बिल्कुल बॉर्डर से आते हैं और आपसे मैंने कहा जबकि इनका कार्यक्रम दूसरी जगह था लेकिन मैंने कहा नहीं आंदोलन कहीं नहीं सब कार्यक्रम निरस्त करके मैं इस आरक्षण पंचायत में जरूर आऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय राम दुलार राजभर जी जो SC ST आयोग के चेयरमैन थे वो भी आए अपने भारी संख्या में साथियों के साथ हमारे यहाँ पे बैठे हुए सभी माननीय रामकिशोर बिंद जी पूर्व में मंत्री रहे और हरिश्चंद्र प्रजापति जी इंद्र प्रकाश कश्यप जी सत्यवीर प्रजापति जी शिवचरण कश्यप जी जो जिलाध्यक्ष बरेली नगीना साहनी जी गोरखपुर के जिलाध्यक्ष श्री जय सिंह प्रजापति जी बीके कश्यप जी संतोष प्रजापति जी से लेकर अब हम नाम लेंगे तो ज्यादा वक्त जाएगा सबको जानते हैं तूफानी निषाद जी से लेकर हमारे गोरखपुर के सभी लोग बैठे हैं। गोरखपुर के आ रहे बनारसी जी आप रहते पश्चिम में और नाम बनारसी है बनारसी कश्यप जी बैठे हैं हमारे आजमगढ़ से भी बहन आई है
हमारे बरेली से राजेश कश्यप भी आए हैं और नंदा निषाद जी भी आए हैं और हमारे बिन जी भी आए हैं, भदोही से आए हैं। हम सबको जानते हैं, बरेली से आए, भदोही से आए, गोरखपुर से आए, झांसी से हमारी बहन रायकवार जी आई है, हम सबको जानते हैं। प्रजापति जी बैठे हमारे पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष से, मुरादाबाद से आए सभी लोग, आजमगढ़ से, मुरादाबाद से, सैदानपुर से, फरुखाबाद से अरविंद बाथम जी भी बैठे, हमारे पश्चिम निषाद जी आगरा से बैठे, देशवाल जी बैठे हैं और अशोक कश्यप जी लखीमपुर से बैठे हैं, बनारस के कश्यप जी बैठे, मैं सबको जानता हूँ। हमीरपुर हमीर महोबा से भी महेश जी भी बैठे हैं और ताजगंज से भी कश्यप जी, अब मैं ऐसा है बहुत सबको जानता हूँ और मैं सबसे मिलके ही जाऊंगा, यहाँ बैठा रहूंगा, सबसे मिल लूंगा। और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सिद्धार्थनगर से लेके कुशीनगर तक कोई जिला ऐसा बचा नहीं जहाँ के प्रतिनिधि नहीं आए हैं, मैं सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि छोटे से बुलावे पे यहाँ आए, आप लोगों ने हमारे ऊपर ऋण चढ़ाने का काम किया है और ये लड़ाई अकेले कोई नहीं लड़ सकता। हम लोग तो सदन में रहे, सदन में हम आपने देखा होगा कोई सत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें आपकी 17 जातियों की लड़ाई समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने ना लड़ा हो और उसके लिए कभी परवाह नहीं की किससे लड़ रहा हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, सबको मैंने घेरने का काम किया। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री थे और उससे पहले जवाब दे रहे थे, मैंने सवाल लगाया था, जवाब दे रहे थे स्वतंत्र देव जी, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, तो मैंने कहा बहुत मौके से आ गए, अब जवाब इनसे ही लूंगा। उन्होंने भी झूठ बोलना चालू कर दिया, तब मैंने उनको भी घेरा। उन्होंने कहा 1994 में बालू खनन मोरक तालाब के पट्टे बीजेपी ने दिए थे और जवाब था, मैंने कहा जवाब 1994 में आपकी सरकार नहीं थी, सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की थी, उन्होंने लागू करने का काम किया। तो वो लोग पता नहीं क्या क्या फिर समझाते रहे, फिर डॉक्टर संजय निषाद का भी सामना हो गया और तो उनको भी मैंने कहा कितना बेचोगे समाज को, समाज को अब तो आप आ गए सदन में, सदन में आ गए तो बोलते ही नहीं, सड़क पे बोलते थे आरक्षण देंगे आरक्षण देंगे और डेली इकट्ठा करते थे, अब जब से सदन में आ गए एक बार भी आरक्षण नहीं मांगे, मैं तो सदन में था, मैंने कहा आरक्षण मांगिए, आरक्षण नहीं मांगा, रो रहे थे अपने मुकदमे के लिए कि मुकदमा मेरा खत्म करवा दो। अरे मैंने कहा अपने मुकदमे के लिए रो रहे हो, अरे समाज के मुकदमे के लिए रो, आपकी पहचान आपके साथ में लोग खड़े हुए थे, विभिन्न समुदाय के लोग खड़े थे, विभिन्न दलों को ऊपर खड़े थे आपके साथ में, इसलिए खड़ा था समाज कि आप आरक्षण दिलाओगे, अब आपकी इससे बड़ी सरकार तो नहीं आएगी, केंद्र में सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आपका बेटा सांसद बीजेपी से, आपका बेटा विधायक बीजेपी से, आप बीजेपी से एमएलसी और मंत्री कैबिनेट में, इससे बड़ी कोई सरकार आएगी नहीं आएगी। ए अनिल राजभर जी, इनसे भी मैंने कहा जब कोर्ट ने फटकार लगाई थी माननीय अखिलेश यादव जी का जो शासनादेश था परिभाषित करने के लिए कोर्ट ने फटकार लगाई तो इन्होंने आनंद फानंद में जियो जारी कर दिया और जियो फिर गोरखपुर से लगवा के उसको निरस्त भी कराने का काम किया। मैंने तो पूछा था राजभर जी आपका बन गया प्रमाण पत्र, आप तो होर्डिंग लगा के वोट, इन लोगों ने होर्डिंगे लगा दी, बाबा ही लूट रहे थे और निरस्त हो गया और ये भी शासनादेश, ये निरस्त नहीं हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी ने इतनी सावधानी से शामिल नहीं किया था, परिभाषित करने का काम किया था क्योंकि हमारे लोग ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है, हमें शामिल नहीं करना है, हमें परिभाषित करना है, जैसे हम लोग ऑलरेडी अनुसूचित जाति हैं, चुनैया का सर्टिफिकेट बन रहा है, गोड़ का बन रहा है, बेलदार का बन रहा है और ये सब परिभाषित करने का काम किया था। और ये देखिए
बेलदार में बिंद को परिभाषित किया था 18 नंबर पे है, 36 नंबर पे गोड़ है, एससी का मिलता है जो 1950 की सूची है उसमें है, उसमें गुड़िया का हार। बढ़ते शहरीकरण और विकास की आंधी में मछुआ समुदाय निषाद वंश बिंद केवट मल्ला कहार रायगवार आदि जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, जो नदियों के किनारे मूलतः रहती हैं, उनका जो व्यवसाय था बालू मोरंग मछली नावघाट, बढ़ते आधुनिकीकरण में जिस पर उनका पुश्तैनी अधिकार रहा, अंग्रेजी पीरियड में कानून बनाकर उनको उजाड़ा गया, वो सब वर्तमान सरकारों की नीतियों से और विकास की आंधी में उनको पीछे धकेल दिया गया, इसलिए इनको संरक्षण की अति आवश्यकता है और इनके विकास के लिए परिभाषित आरक्षण जो इनकी कुछ जातियां पहले से ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में पूरे भारत में अलग अलग नामों से हैं, उसी के लिए उत्तर प्रदेश में मझवार तुरिया गौड़ बेलदार इनके परिभाषित आरक्षण के लिए समय समय पर कार्यक्रम सरकारों द्वारा आश्वासन दिए गए। समाजवादी पार्टी ने 2 बार इनके आरक्षण को लागू करने की कोशिश की लेकिन भाजपा और कांग्रेस की नीयतें इनके लेकर के सही नहीं रहीं, जिससे ये समाज पिछड़ता गया। क्योंकि आप जानते हैं किसानों को मुआवजा मिल जाता है लेकिन नदी पर पुल बन जाने से या वहाँ पर खनन को मशीनीकरण से इनको कोई लाभ नहीं हो पाता, ना इनको कोई मुआवजा मिलता है, इससे जातियाँ पिछड़ती गई, इनको आरक्षण की अति आवश्यकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।